नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। वक्त हो गया है शतक आज तक का, लेकिन उसकी शुरुआत से पहले एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। दिल्ली में बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो गई है। थोड़ी देर पहले बैठक में पीएम मोदी भी पहुंच गए हैं। बैठक की शुरुआत पीएम मोदी ने दीप जलाकर की। मंच पर दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ने पीएम मोदी का स्वागत किया। एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर दिल्ली की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये बड़ी बैठक 2019 के बाद बीजेपी के लिए मानी जा रही है। तमाम बड़े दिग्गज नेता इस बैठक का हिस्सा होंगे और आने वाले चुनावों पर मंथन होगा। क्या रहेगी बीजेपी की स्ट्रैटेजी, क्या होगा रोडमैप, इस पर चर्चा होगी। और साथ ही नरेंद्र मोदी भी, प्रधानमंत्री भी मोदी मंत्र देंगे पार्टी को, किस तरह से आने वाले चुनाव में तैयारी करनी है। और उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का जिन राज्यों में प्रदर्शन खराब रहा है उस पर भी चिंतन होगा, कारणों की समीक्षा की जाएगी। कोरोना काल में किस तरह से राज्यों में सेवाओं को दुरुस्त किया गया, कहां कहां पर चुनौतियां आई, इन तमाम मुद्दों पर आज बैठक होने वाली है। अब शुरू हो चुकी है बैठक, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बड़े स्तर पर यहां पर इस बैठक की तैयारी की गई है। देखिए, ढोल नगाड़े बजाकर यहां पर तमाम नेताओं का स्वागत हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत हुआ। मंच की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कोरोना वन के दौरान ही 22 करोड़ विधानसभा चुनावों पर बीजेपी का महामंथन इसे माना जा रहा है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं तमाम दिग्गज, राजनाथ सिंह आपको दिख रहे होंगे और साथ ही गृहमंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। साथ ही उनके नितिन गडकरी भी आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो तमाम बड़े नेता यहां पर पहुंचे हैं। कोविड प्रोटोकॉल की वजह से कुछ नेता वर्चुअली भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे, लेकिन तमाम बड़े नेता यहां पर इस बैठक में पहुंचे हैं क्योंकि कई अहम मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा होने वाली है। तो दिल्ली में बीजेपी की कार्यकारिणी बैठक शुरू हो चुकी है। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच गए हैं। दोपहर 2 से 3 बजे के करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समापन भाषण भी होना है।